गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम क्लास सेकंड का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट की फिफ्थ क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले फोर्थ क्लास में मैंने आपको स्किप काउंटिंग और नंबर नेम के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है बेटा? कोई भी डिजिट जो आपको मैंने वंस टेंस हंड्रेड सिखाया था ना, वही होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या होता है देखते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड होता है उस डिजिट का, कि वो जो डिजिट बनी हुई है वो वंस प्लेस पे आपकी है या टेंस प्लेस पे या हंड्रेड प्लेस पे है, ठीक है। तो वही होता है उसका प्लेस वैल्यू, उसका मतलब, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है प्लेस वैल्यू का मीनिंग। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट पर्टिकुलर प्लेस इन अ नंबर। जो आपके जो नंबर गिवन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये नंबर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्लेस वैल्यू के लिए, नहीं लिखना चाहिए कि 97 जो लिखा है, पुश बोलूँ मैं एक पर्टिकुलर ये जो नंबर है 7 और ये जो 9, दो नंबर है आपके गिवन है, तो जो ये इनका जो प्लेस है, वो स्थान है, वो वंस प्लेस पे है ये 7 या टेंस प्लेस पे है, ये मुझे यहाँ पर क्या बताना है, उसका स्थान बताना है। तो ये जो यहाँ पीछे से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि राइट साइड से आपका वंस टेंस हंड्रेड ऐसे करना शुरू करते हैं और आगे 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 लेफ्ट लेफ्ट होते चले जाते हैं, जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ऐसे जाते हैं, फिर 10,000 ऐसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो जो 7 का जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, प्लेस मीन्स स्थान है, वो कौन सा है? वंस प्लेस है। वंस तो आप क्या बताओगे? वंस है। और आपसे कोई 9 का प्लेस वैल्यू पूछे कौन सा स्थान है, किस प्लेस पे है, तो आप क्या बताओगे? टेंस प्लेस पे है। क्या बताओगे? टेंस प्लेस पर है। आगे क्या है? अ टू डिजिट नंबर हैज टू प्लेस, थ्री डिजिट नंबर हैज थ्री प्लेसेस। क्या होगा? जो दो नंबर के डिजिट होंगे उसके दो प्लेसेस होंगे। दो प्लेसेस का तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना अभी, 97 लेके। अगर जो 97, अब मैं थ्री डिजिट का ले लूं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको 212, तो ये मेरी कितनी डिजिट हो गई? थ्री डिजिट हो गई ना। तो हर डिजिट का अपनी अपनी जगह होती है, ठीक है, अपना अपना प्लेस होता है। अब देखो वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ डिजिट चेंज हुई, पहले कुछ और थी। अब आपसे कोई पूछे कि जो टू है वो किस प्लेस पर बना हुआ है, वंस पे, टेंस पे या हंड्रेड पे, तो आप क्या बताओगे? वंस प्लेस पे बना हुआ है। वन किस प्लेस पे बना हुआ है, तो आप क्या बता सकते हो जल्दी से? फास्ट, टेंस प्लेस पे है मैम। अगर जो टू पूछे आपको, तो आप क्या बताओगे? मैम ये जो टू है वो किस प्लेस पे बना है? हंड्रेड प्लेस पे बना है। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हम काउंट करना, ओके। चलो एग्जाम्पल आपका देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर देखो कैसे दे रखा है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि एक 10 वंस मिलाकर क्या बनता है? 110 बनता है। 10 टेंस मिलाकर क्या बनता है? 100 बनता है। 100 वंस मिलाकर क्या बनता है? 100 बनता है। तो इसका भी यूज आगे होगा, जो ये जो पॉइंट लगे हुए ना आपके, ये जीरो कि ये तो यहाँ तो 9 लिखा है और ये टेंस प्लेस पे, तो ये जीरो कैसे लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो अभी हम आगे सीखेंगे, क्योंकि आपको वैसे पता है ना टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब क्या हुआ कि उसकी दो डिजिट होंगी, वन तो डिजिट होगी नहीं, सिंगल डिजिट तो होगी नहीं, तो इस वजह से इन्होंने टू डिजिट आपकी बना रखी है। और हंड्रेड आपको पता है थ्री डिजिट से शुरू होता है। उसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू के बारे में बेटा। फेस वैल्यू क्या होती है आपकी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इट द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इट इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू मतलब वही जो नंबर जो आपका गिवन होता है, वही नंबर आपका क्या रहेगा? फेस वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वही वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसमें कोई प्लेस नहीं पूछा उन्होंने कि ये हंड्रेड प्लेस पे या वंस प्लेस पे या टेंस प्लेस पे, ये कुछ नहीं पूछा। वही जो अंक होगा, वही जो नंबर होगा, उसकी फेस वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे मैंने वंस टेंस आपको 100 दिया था, ये देखो एग्जाम्पल आगे दे रखा है। इसी बुक से मैं आपका एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखो आगे नंबर्स गिवन है, यहाँ देखो ध्यान से,
की नंबर्स गिवन है आपके, और उसके बाद प्लेस वैल्यू मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको हाइड कर लेती हूँ बेटा। सिर्फ मैं अभी फेस वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगी। देखो 168, इसमें देखो ऊपर 6 की फेस वैल्यू उन्होंने पूछा इन नंबर्स में। देखो ऊपर पढ़ना सिखा देती हूँ, पहले क्या लिखा देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर्स। जो ये नंबर्स गिवन है इसमें आपको 6 की क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू। बट मैं आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए फेस वैल्यू के बारे में ही बताऊंगी अभी। स्टार्ट करते बेटा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब मैं प्लेस वैल्यू आपको ऑलरेडी कॉपी में मैंने आपको समझाया था, उसका स्थान पूछा जाता है। अब सिर्फ मैं फेस वैल्यू के बारे में आपको बता रही हूँ, तो इसलिए प्लेस वैल्यू को मैं हाइड कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें किस नंबर की फेस वैल्यू पूछी आपसे, 6 की। तो देखो 1 stands 100, यहाँ पर मुझे उससे मतलब नहीं है जगह से कि किस प्लेस पे है, प्लेस मुझे जानना ही नहीं है, फेस वैल्यू जाननी है एग्जैक्ट कौन सा वो नंबर है, ठीक है। 6 का पूछा है तो यहाँ पर जो 6 की फेस वैल्यू होगी वो 6 ही रहेगी। नेक्स्ट देखो 1 stands 100 प्लेस पे 6 बना है, तो अब आप यहाँ पे 600 नहीं लिखोगे, सिर्फ फेस वैल्यू उसकी, उसका अंक पूछा है कि जो वैल्यू दे रखी है 6 वो क्या है, तो वही नंबर जो हो जाता है उसका क्या होता है, फेस वैल्यू बन जाती है, या नंबर नेम बोल सकते हो आप, ओके। इसमें भी ऐसे क्या होगा, 6 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। मीन्स जो नंबर दे रखा है वही नंबर उसका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाती है, वही अंक, ओके। हिंदी में बोलते हैं अंक। चलो अब क्या करेंगे हम बेटा, जो आज हमने जाना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ इधर, वो क्वेश्चंस देखो। एक्सरसाइज आपकी 1.2 है बेटा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर्स गिवन बिलो, 1 is done for you। क्या है बेटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है 3 की, ओके। जहां जहां इन नंबर्स में 3 लिखा है बेटा वहां पर उसका प्लेस वैल्यू बतानी और फेस वैल्यू बतानी है। क्या कर रखा है इन्होंने, बुक वालों ने, देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके लिए हमारे लिए क्या दे रखा है, करके दिखा रखा है हमें, ठीक है, हम हमारी समझ के लिए। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो 3 नंबर का प्लेस पूछा है बेटा, यानी इस यहाँ पर देखते हैं, इस यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर 3 बना हुआ है, तो देख रहे हैं हम फर्स्ट सी, यहाँ देखो कहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर आपको सी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी कर रहे हो आप, 3rd नंबर देख रहे हो, 3 लिखा हुआ है। तो देखो प्लेस वैल्यू क्या था, उसका स्थानीय मान किस स्थान पे बना है। अब जैसे प्लेस पी बन जाए तो आपके माइंड में एकदम क्या जाना चाहिए कि मुझे इसकी जगह बतानी है कि कौन सा ये 1s प्लेस पे है या 10s प्लेस पे है या 100 प्लेस पे, जिसे इकाई ढाई सैकड़ा बोलते हैं ना वो, कि किस प्लेस पे है। तो जो ये 3 है वो किस प्लेस पे है, 1s, फर्स्ट क्या होता है हमारा 1s प्लेस, सेकेंड क्या होता है 10s, फिर 100, ऐसे होता है। तो जो 3 है वो क्या है आपका, 1s प्लेस पे है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 3 लिखूंगी और यहाँ पर क्या लिख दूंगी, और करके 3 1s कर दूंगी, ठीक है, यही लिखूंगी 3 1s, ठीक है। 3 की पूछी है तो 3 और उसका नंबर 3 हो जाएगा और 3 1s लिख दूंगी। अब मैं इसे इन्होंने फेस वैल्यू पूछा है, फेस एग्जैक्ट वही नंबर होता है जिसको जिसके बारे में ये पूछे वही नंबर आप बता दो वो उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। ऐप से ये याद रखना, ठीक है, जो नंबर दे रखा है जिसके बारे में उन्होंने पूछा तो वही आपका अंक क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी। तो इन्होंने 3 की फेस वैल्यू पूछी आपसे तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, 3 लिख दोगे। अब बच्चे आप लोग क्या करते हो कि हर जगह क्या क्वेश्चन नहीं रीड आउट करते, आप करने लगते हो मैम ने तो एक यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, तो मैं इसमें भी 3 लिखूंगा। वो तो ठीक है बट हो सकता था अभी सिर्फ इन्होंने 3 की पूछी आपसे तो आप 3 3 यहाँ फाइंड कर दोगे और लिख दोगे, राइट चला जाएगा। बट ये इस क्वेश्चन में आपसे 5 की भी फेस वैल्यू पूछ सकते थे, जब ये 5 की फेस वैल्यू पूछते तो आप यहाँ क्या लिखते, 5 लिखते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना किसकी क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और मुझे जवाब क्या देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 आपका, ये जो 3 है किस प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू देखो किस प्लेस पे, 1s पे है, 10s पे बना हुआ है, हम सबको नजर आ रहा है 10s प्लेस पे बना हुआ, और 10s कितनी डिजिट से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं आपके, 10s प्लेस के होते हैं। तो ये क्या 1s 10s
तो ये यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, 35 नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो इसकी फेस वैल्यू दे रखी होती है उसको वैल्यू ऑफ प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ 30 और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 3, क्योंकि 3 और 3 किस प्लेस पे बना है, टेंस प्लेस पे बना है, तो मैं यहाँ पर टेंस लिख दूंगी कि जो मेरा 3 आया वो किस प्लेस पे बना है, टेंस पे बना हुआ है, तो इसलिए मैंने 3 टेंस लिख दिया, ओके। और फेस वैल्यू मेरी 3 की क्या हो जाएगी, 3 ही रहेगी, क्योंकि वही अंक उसका या नंबर नेम क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाती है। अब ये जो लास्ट बचा हुआ बेटा ये आप खुद फाइंड करोगे और इसमें इस बुक में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका नीचे फोर्थ क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से ही रिलेटेड है, सर्कल कर रखा है इन्होंने, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, जिस डिजिट पे सर्कल इन्होंने कर रखा है, आप सारी डिजिट्स सॉरी सारे क्वेश्चंस को आप देख रहे हो बेटा कि क्या दे रखा है, कभी 9 पे, कभी 8 पे, 7 पे, 6 का, 1, 4, तो इन सब का ही क्या करना है हम लोगों को बेटा, प्लेस बताना है, प्लेस वैल्यू कि अगर जो ये 9 है तो किस प्लेस पे बना हुआ है, 7 है तो किस प्लेस पे बना हुआ है, 1 है तो किस प्लेस पे बना हुआ है, ओके। तो देखो 9 आपका किस प्लेस पे बना हुआ, हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से, आप सबको पता है बैक साइड से, तो वंस, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 9 वंस, ठीक है, और या फिर 9 लिख दोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, वंस टेंस, ये किस प्लेस पे बना, टेंस प्लेस पे, तो यहाँ 80 लिख दोगे आप, ठीक है, क्योंकि टेंस प्लेस पे बना हुआ है इसीलिए। और ये किस पे बना है, वंस टेंस, 7 किस प्लेस पे बना है, ये भी आपका टेंस प्लेस पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 70। आपको पता है टेंस प्लेस की डिजिट जब शुरू होती है तो 2 नंबर से शुरू होती है, ओके। तो इस तरह से जो बाकी ये क्वेश्चन है, अब ये 1 है, 100 कैसे लिखते हैं, आप सबको पता होगा 100 है तो 100 यहाँ लिख देंगे। अब जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए ये आपको बुक में यहीं पर फिल करना है, ये होमवर्क है आपका, जो जो मैं साथ साथ समझाती जा रही हूँ और ये आपका होमवर्क में आपको करना है। उसके बाद ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिल द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू, एक हमें करके दिखा रखा है बाकी हमें खुद करने हैं ये, ठीक है। देखो कैसे होगा बेटा, देखो 9 किस पे बना हुआ, 9 के प्लेस वैल्यू क्या है, 9 यही रह जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे, वंस प्लेस की सिंगल डिजिट होती है इसलिए। अब 0 का क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस, 2 0 आने चाहिए यहाँ पे, क्यों, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या होता है प्लेस वैल्यू के जो फॉर्मूला होता है वो ये देखो, यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू क्या थी मेरी, 0 थी, और मल्टीप्लाई होता है वैल्यू ऑफ प्लेस, वैल्यू ऑफ प्लेस का मतलब ये टेंस प्लेस पे है, तो टेंस कैसे लिखते हैं, 10 ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। और जब भी कभी किसी नंबर को 0 से किसी डिजिट को या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 0 लिखा है। आप देख रही हो ये 1 किस प्लेस पे बना है, 1 10 100 किस प्लेस पे बना है, 100, तो मेरा यहाँ क्या आना चाहिए, 100, और 100 मैं कैसे लिखती हूँ, 100, 100। और कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं कॉपी में भी आपको करके दिखा देती हूँ बेटा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्पल के लिए हैं, ठीक है, या एग्जाम्पल बोल सकते हो आपको सॉल्यूशन बताने के लिए। देखो मैं यहाँ ले लेती हूँ 8, 9 और 2, इसकी मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू, यहां मैं बॉक्स बना देती हूँ, ध्यान से देखना बेटा इसको, देखो 8 वंस 10 100 समझने के लिए अपने लिए, ठीक है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको क्या करा जाता है, कि जो प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, फेस वैल्यू, जो इसका फेस, जो ये यहां जो नंबर दे रखा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्लेस, वैल्यू ऑफ प्लेस, कि वो जो नंबर बना है वो किस प्लेस पर बना, किस स्थान पर बना है। देखो 8 मेरा किस स्थान पर है, वंस प्लेस पे, तो 8
मल्टीप्लाई वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 80 हो जाएगा। यहाँ देखो 9 हमारा क्या है फेस वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्लेस क्या हुआ 1s 10s है, ये हमारा ढाई प्लेस है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई मैं करूंगी 10 से, और जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ बॉक्स में क्या लिखूंगी 90, ठीक है। और एक सिंपल होता है समझने के लिए कि जो टेंस की जब डिजिट कभी भी शुरू होगा तो 2 प्लेस की होती है, इसलिए वही नंबर लिख दो और एक जीरो बना दो आप, ठीक है। तो ये टेंस प्लेस हो गया। और ये क्या है 200 बना हुआ है, 200 प्लेस पे है, तो हम सबको पता है 200 कैसे होता है, 2 बना दो और 00 बना दो, ठीक है। और जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो करना चाहते हो, तो फेस वैल्यू किस क्या थी इस प्लेस की 2, तो 2 लिखा। और उसके बाद ये किस प्लेस पे बना है 100 प्लेस पे था, तो 1000 के 100 किस पे है सैकड़ा, तो सैकड़ा मीन्स 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो जब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0, क्योंकि कभी भी किसी भी डिजिट या नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। फिर इस 2 को इससे करूंगी तो 0 आ जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, तो 200। तो ये मेरा फॉर्म हो गई। ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए थे, ठीक है। तो अब ये जो 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं ये आप इस बुक में फिल करोगे, ये भी आपका होमवर्क है। अब ये देखो ये बहुत सिंपल है, क्या करना, अब ये मुझे ऐसे करके बनाना है, जो ऊपर देखो ऐसे ऐसे पहले हम ये प्लेस बता रहे थे, अब ये दे रखा है ऑलरेडी हमें, अब यहाँ पर नंबर लिखने है। ये वंस प्लेस पे, तो पीछे से लिखना शुरू कर दो वंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे क्या बना 2 0 20, तो यहाँ 20 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आगे वाला नंबर, क्योंकि वंस प्लेस ही हो जाएगा, टेंस ही हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, सिंगल डिजिट लिखेंगे, तो 2 यहाँ हो गया। 100 प्लेस पे क्या है 1s 10s 100, थर्ड नंबर पे क्या है 100, तो यहाँ पर 20 इसके कारण लगा है क्योंकि 1s 10s 2 डिजिट लिख चुके हैं, और 100 3 नंबर से शुरू होता है, तो यहाँ सिर्फ एक नंबर लिखा जाएगा 1, इस तरह से। बाकी ये जो क्वेश्चंस आपके 3 हैं आप ये इसमें खुद करेंगे, ओके। यही आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड आपका होमवर्क था। आज की क्लास यही ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास हम में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा रिवाइज कर रखेंगे।